Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to start with application and numerical based on parallel and perpendicular axis theorem. तो लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा. तो एप्लीकेशन में बेसिकली हम लोग तीन बॉडीज देखने वाले, बाकी का एप्लीकेशन का पार्ट भी देखेंगे, बट वो एज इट इज़ हम लोग फॉर्मूला में जंप मार सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे अप्लाई करने का ऐसे ज़रूरत नहीं है. हाँ, न्यूमेरिकल में आज स्पीयर का पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, बट स्पीयर का जो डेरिवेशन रहेगा वो मैं एंड में कराऊंगा. मैं एक कंप्लीट एक वीडियो डेडिकेट करूंगा जो कि टेक्स्ट बुक के एंड में, मतलब जो चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेडी और रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूलाज दिए गए. तो वहाँ पे वो जब एंड टॉपिक खत्म होगा तो मैं उसके सारे डेरिवेशन एक साथ करूंगा. मैंने अब तक रिंग डिस्क का किया है और रॉड का किया है. रॉड का आपका सिलेबस में नहीं था, वैसे स्पीयर और बाकी की चीज़ों का भी सिलेबस में नहीं है, बट आपके आइडिया के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपको ऑप्शनल रहेगा कि आपको देखना है तो आप एक आपके रेफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हो. सो एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो इसका जो पहला पार्ट रहेगा वो एप्लीकेशन वाला पार्ट है. तो एप्लीकेशन में हम लोग तीन चीज़ डिस्कस करेंगे. पहला रहेगा रिंग, सेकेंड रहेगा डिस्क और तीसरी रहेगी रॉड. तो पहले रिंग का डिस्कस करते हैं. तो रिंग के पहले दो केस है, तो रिंग के पहले दो केसेस को डिस्कस करते हैं. तो ये पहली रिंग है, दो केसेस साथ में डिस्कस कर रहा हूँ मैं. तो पहला जो केस है उसमें ये बोला है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है when the axis of rotation is passing through center and perpendicular to the plane. मतलब मेरे को ऐसा पूछे, ये IC मुझे पता है, passing through C, बराबर है. और इसकी फॉर्मूला जो है वो है एम आर स्क्वायर. रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, रिंग की बात कर रहा हूँ. अभी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. केस वन में लिखना है आपको, हेडिंग में लिखना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर. अगर डायमीटर से पास हो रहा तो डायमीटर कुछ ऐसे दिखेगा. दिख रहा है, डायमीटर हो गया. सिमिलरली अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा डायमीटर कुछ ऐसे दिखेगा. दोनों भी डायमीटर ही है, पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब क्या हुआ डायमीटर. ये देख सकते हो कि ये जो होगा ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब भी होता है तभी हम लोग कौन सा एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा IC इक्वल टू ID प्लस ID. तो IC का फॉर्मूला 2ID, तो IC कितना है एम आर स्क्वायर 2ID, तो ID कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2. केस वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी डायमीटर. ये पहला पार्ट क्लियर हो गया. अभी केस टू में देखते हैं, वही सेंटर से पास हो रहा है तो मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है. सेंटर सी से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर प्लेन रहेगा, तो IC का फॉर्मूला था एम आर स्क्वायर. मुझे पूछा गया है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. देखो टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है रिंग को, ये भी टेंजेंट हो सकता है ऐसे, बराबर है. बट मुझे पूछा है टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, ये प्लेन को पैरेलल है. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसे निकालेंगे हम लोग, एक सेकेंड. परपेंडिकुलर प्लेन कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे निकाल रहे हैं, तो मुझे बताओ कि ये जो रहेगा वो रहेगा आई टेंजेंट परपेंडिकुलर. ये आई टेंजेंट परपेंडिकुलर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गए और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस हुआ आर. तो मुझे बताओ जो आई ओ रहेगा वो रहेगा आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. आई ओ क्या है, आई टेंजेंट परपेंडिकुलर. आई सी कितनी है एम आर स्क्वायर प्लस एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर. तो आई टेंजेंट परपेंडिकुलर का फॉर्मूला रहेगा 2mr². क्लियर है. ये रिंग का केस हुआ, रिंग का अबाउट डायमीटर एंड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन हुआ. अभी यही अगर केस में डिस्क का लेता हूँ, केस थ्री है अभी, अगर ये डिस्क का लेता तो IC का फॉर्मूला बनता है mr² / 2. तो इधर भी mr² / 2 आ जाएगा. तो ये बताओ ये क्या आ जाएगा mr² / 4. बाकी सारे केसेस सेम है. देखो ID सेम रहेगा, ID प्लस ID 2ID बनेगा इक्वल टू IC बनेगा. सॉल्व करेगा तो mr² / 2 मिलेगा. क्लियर है. यहाँ पे भी सेम mr² / 2, सब कुछ सेम करना है. यहाँ पे 2 आ जाएगा. अगर ये सॉल्व करता तो ये आएगा 3/2 mr². क्लियर है. यहाँ पे ये भी डिस्क का केस ले रहा हूँ,
केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर डिस्कस कर चुका हूँ मैं. केस वन का हेडिंग में लिखेंगे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यहाँ पे सेकेंड केस था, वहाँ पे क्या लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सेम केस थ्री रहेगा केस वन जैसी, बट रिंग के बदले क्या बन जाएगा, डिस्क. यहाँ पे भी रिंग के बदले क्या बन जाएगा, डिस्क. केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर डिस्कस कर चुका हूँ. अभी केस फाइव पे जाते हैं. केस फाइव क्या है, केस फाइव रॉड की केस है. तो रॉड के केस में क्या होगा देखते हैं. बोला है अबाउट सेंटर पास करेगा, तो मुझे पता है आईसी का फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 12. मुझे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड मतलब एक कोई भी एंड. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं अभी ये कंसिडर कर रहा हूँ. तो ये आई ओ हो गया, तो आई ओ का फॉर्मूला क्या रहेगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, दोनों पैरल एक्सिस है. ये डिस्टेंस एच कितना होगा, ये पूरा एल है, तो ये कितना रहेगा, एल बाय टू. क्लियर है, तो आई सी एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल बाय टू का स्क्वायर, तो आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4. एलसीएम लोगे तो फॉर्मूला आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3. फाइनल आंसर क्लियर है. ये हो गया रॉड का केस. तो मैंने अब तक क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, डिस्क, रिंग, रिंग के दो केसेस, बाद में रॉड, रॉड के दो केसेस, और लास्ट में क्या डिस्कस किया, रॉड के दो केस ने, डिस्क के दो केसेस डिस्कस किया, और बाद में रॉड का केस डिस्कस किया. तो हम लोगों ने अब तक पांच केसेस डिस्कस किए. ये एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन मतलब मैं इसे बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है. हाँ, अभी जो स्पीयर वाला पार्ट जो आएगा, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा शायद से, 17-18 क्वेश्चन रहेगा शायद से, मेरे को मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो आने वाला है ना, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे. उसका एप्लीकेशन जो, उसका प्रूफ जो रहेगा, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर, मतलब एट द एंड ऑफ दिस, बोलते हैं ना कि ये चैप्टर के एंड में मैं वो बता दूंगा आपको. तो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है. क्वेश्चन नंबर है 19 शायद से, क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 24-25 रहेगा शायद से, 24-25 रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg, अ मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg. तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मास कितना बोला है, 1 kg, बराबर है. और उसके बाद बोला हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg meter square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 1 kg meter square. When rotating about diameter, when rotating मतलब ये जो moment of inertia किसका है, diameter का है. ये जो केस है, ये किसकी केस है, रिंग की केस है, बराबर है. आगे when rotating about its diameter, it is molten and remolded into a thin uniform disc of same radius. अभी ये रिंग को मोल्ड करेंगे, मतलब मेल्ट करेंगे और उसको मोल्ड करेंगे, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया अभी डिस्क में, डिस्क में कन्वर्ट किया, और उसका रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा. आगे सेम रेडियस, हाउ मच विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ओन एक्सिस मतलब आईसी पूछा है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर पूछा है. ए मास का कुछ दिया है क्या, मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि रिंग ही कन्वर्ट हुआ है डिस्क में, तो मास सेम रहेगा कितना, 1 kg. तो अब इसको सॉल्व कैसे करते देखते हैं. तो ये सॉल्व करते हो तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले रिंग की केस देखते हैं. रिंग के केस में, रिंग के केस में अबाउट डायमीटर पूछा है, तो अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है रिंग के केस में. रिंग के केस में अबाउट डायमीटर का फॉर्मूला रहता है एम आर स्क्वायर बाई 2. अभी थोड़ी देर पहले निकाला डायमीटर का, तो फॉर्मूला रहेगा रिंग का, मैं डिस्क का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी रिंग का बात कर रहा हूँ. तो आईडी कितना है, 1, एम कितना है, 1, आर स्क्वायर बाई 2, ये 1 गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो आर इक्वल्स टू रूट 2 मीटर. इसको ऐसे ही रखो, कन्वर्ट मत करो, इसको ऐसे ही रखो. अभी हम लोगों ने पूछा है यही डिस्क, यही सॉरी ये रिंग है जो डायमीटर के अबाउट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, उस रिंग को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किस में, डिस्क में. अभी डिस्क में जब कन्वर्ट किया, डिस्क में जब कन्वर्ट किया, तो मुझे पूछा है अबाउट इट्स एक्सिस पूछा, मतलब पासिंग थ्रू सेंटर, ये वाला पूछा केस. तो मुझे बताओ आईसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, आईसी का फॉर्मूला रहेगा एम आर स्क्वायर बाय 2. मुझे पता है जो एम आर स्क्वायर बाय 2, एम कितना है, 1, रेडियस तो सेम रहेगा, तो रेडियस क्या है, रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2,
इक्वल टू ये जाएगा 1 × 2/2 गया आंसर 1 kg m2। क्लियर है आपको, आंसर 1 kg m2। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे आईडी का फॉर्मूला था mr² / 2 अबाउट डायमीटर, बट किसके केस में, रिंग के केस में। अभी ये आईसी का फॉर्मूला है किसके केस में, डिस्क के केस में। तो दोनों का फॉर्मूला देखो mr² / 2 था, तो दोनों का फॉर्मूला mr² / 2 था, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, दोनों भी सेम, मतलब आई भी सेम होना चाहिए, इसलिए आई डी और यहाँ पे जो आई सी मिला है दोनों का वैल्यू देखो सेम है, 1 kg m2। क्लियर है क्या? तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, मास दिया है 1 kg, आई डी जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर बोला है 1 kg m2, ये रिंग की केस है। रिंग को मोल्ड किया मतलब रिंग को मैंने मेल्ट किया और अभी किस में कन्वर्ट किया, डिस्क में। उसका मास सेम है, रेडियस सेम है। अभी मेरे को क्या पूछा गया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर क्या रहेगा, ये पूछा गया है। तो पहले डायमीटर का निकल, पहला अबाउट डायमीटर निकालना किसके केस का, रिंग के केस का निकालूंगा। तो mr² / 2 पे सब्सिट्यूट किया, आर की वैल्यू मिल गई, आर और मास दोनों भी सेम होने के वजह से अभी हम लोग अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर निकालने वाले, बट किसका, डिस्क का। अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर डिस्क का केस होता है mr² / 2। वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर है? और एक चीज बताऊंगा, दोनों का वैल्यू सेम है, देखो mr² / 2 mr², ये है रिंग का केस अबाउट डायमीटर, डिस्क का केस है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन। तो जब सॉल्व किया तो आंसर सेम आने वाला है, फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी सेम रहेगा, बट आपको सॉल्व करके करना है, रेडियस निकाल के ही करना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग एप्लीकेशन का पार्ट डिस्कस हो सकता है, डिस्कस बराबर से हो जाएगा। एक चीज़ लिखनी है, अगर मेरा स्पीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये हॉलो स्पीयर रहेगा, हॉलो स्पीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर का फॉर्मूला है 2/3 mr², हॉलो स्पीयर। अगर ये सॉलिड स्पीयर रहेगा, सॉलिड स्पीयर, तो फॉर्मूला रहेगा 2/5 mr². तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मैं लास्ट एंड में डिस्कस करूंगा, हॉलो स्पीयर और सॉलिड स्पीयर के डेरिवेशन जो रहेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्पीयर इक्वल्स 2/3 mr², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर इक्वल टू 2/5 mr². ये दो पार्ट लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते, देखो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को बोला गया है, अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 60 ग्राम। मतलब मास जो बोला है रॉड का, मैं डायग्राम बना दूंगा, मास बोला है 60 ग्राम और आगे बोला है लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ बोला है 20 सेंटीमीटर। आगे टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर ऑफ मास 50 ग्राम बोला है, मास ऑफ सॉलिड स्पीयर कितना है 50 ग्राम और रेडियस कितना बोला है, रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर। आगे उन्होंने बोला है ईच आर एट टू एंड्स ऑफ द रॉड, दो स्पीयर है वो एंड ऑफ द रॉड पे है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये वाला पार्ट देखते हैं कि क्या होने वाला है, मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखते यहाँ पे कुछ रॉड दिए जिसकी मास कितनी है 60 ग्राम और लेंथ कितना है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, बराबर है। यहाँ पे एक स्पीयर है और यहाँ पे एक स्पीयर है, ओके एक सेकेंड ना, एंड पे लगाइए, एंड पे स्पीयर, तो स्पीयर ऐसी कुछ है, ये कुछ डंबल बनते हैं जो अपन जो एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं वो वाला डंबल है। तो इसकी जो दो जगह पे दो स्पीयर यूज़ किए, दोनों भी सॉलिड स्पीयर है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला है, सॉलिड स्पीयर के मास 50 ग्राम बोले और ये जो रॉड है उसका मास 60 ग्राम बोला है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है, अभी हाँ यार रेडियस ये 10 सेंटीमीटर ये छोटा कैसे हो सकता है, तो समझ के लो यार ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ऐसे समझ के लो। अभी पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब ये पूछा है, बराबर है, यहाँ पे पूछा है। ये मेरे को बताओ, आई टोटल ये डंबल जो बना है वो एक रॉड से बना है और स्पीयर से बना है, तो रॉड जो है वो एज इट इज रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, यहाँ से पास हो रहे, बट स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये आई स्पीयर हुआ
ये भी आई स्फीयर हुआ। मुझे बताओ ये दोनों पैरेलेक्स थ्योरम है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है कि मासेस को जैसे मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी ऐड करूँगा, क्योंकि मास जो काम करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा कौन से मोशन में, रोटेशनल मोशन में। तो जो काम हम लोग मास का करेंगे, मास को ऐसे ऐड करेंगे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि वो एक्स ऑफ रोटेशन पैरेलल, मतलब बोलते ना कि एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। अभी देखो ये टेंजेंट वाला पार्ट है, ये जो टोटल वाला पार्ट है, इसमें जो रॉड का केस है तो रॉड तो इधर से ही पास होगा, बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड भी इधर से ही पास होगा, तो आई रॉड तो इधर से ही पास हो रहा है। बट अगर मैं स्पीयर का केस लूँगा तो स्पीयर पैरेलल पे, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर 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 से पास हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं इधर से यहाँ से इसको यहाँ तक शिफ्ट करूँगा, कौन से थ्योरम से? पैरेलेक्स थ्योरम से। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कौन सा, रॉड का केस निकालेंगे। तो रॉड का केस निकाल रहे, तो रॉड का केस क्या रहेगा? आई ऑफ रॉड फॉर्मूला रहेगा एम एल स्क्वायर बाय 12। एम कितनी है? 60। एल कितना है? 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ये जाएगा 5 जा कितना आएगा? 5 इंटू 20 का स्क्वायर 400, कितना आएगा ये? 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है वाला पार्ट? 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आई ऑफ रॉड का केस। आई ऑफ रॉड का केस है, बट ये कहाँ से पास हो रहा है? सी से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अभी मुझे पहले स्पीयर का निकालना और स्पीयर के इसको यहाँ तक शिफ्ट करना है, मतलब पैरेलेक्स थ्योरम से। तो पहले स्पीयर का केस निकालते हैं, स्पीयर का कंडीशन क्या रहेगा? ए मुझे बताओ स्पीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/5 एम आर स्क्वायर, बराबर है। ए 2/5 एम आर स्क्वायर पुट करूँगा तो 2/5 इंटू एम कितना है? एम है 50 इंटू आर कितना है? 10 का स्क्वायर। ये जाएगा ये 10, तो कितना आएगा? 20 इंटू 1000 कितना आएगा? सॉरी 2 इंटू 1000 कितना आएगा? 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आई ऑफ स्पीयर आ गया। क्लियर है? अभी आई ऑफ स्पीयर नहीं चाहिए मेरे को, आई ऑफ स्पीयर ही निकालना है, बट कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। तो उसको शिफ्ट कैसे करेंगे? शिफ्ट करेंगे कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालने के लिए मैं बोलूँगा आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर, आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर। तो आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर क्या रहेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? देखो आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर मतलब आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर। ये मैं आई टोटल जो है ना वो ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि वो टोटल निकालना है। तो आई टोटल, ये टोटल एडिशन रहेगा। तो आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर क्या रहेगा? आई ऑफ स्पीयर प्लस, देखो ना पैरेलेक्स थ्योरम, आई ऑफ स्पीयर प्लस एम एच स्क्वायर। ए मुझे बताओ आई ऑफ स्पीयर कितना है? 2000 प्लस एम कितनी है? 50। ए एच कितना देखते हैं? एच ये पूरा 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना रहेगा? 10। और ये भी कितना रहेगा? रेडियस कितना है? रेडियस दिया 10, तो ये 10 प्लस 10 कितना आएगा? 20 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा 2000 प्लस 50, इसका स्क्वायर आएगा 400, बराबर है। 2000 प्लस 50 इंटू 400 20,000, सॉल्व करूँगा तो आएगा 2200। क्लियर है? आई स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर, आई स्पीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे बताओ अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर, बट दो स्पीयर है, देखो दो स्पीयर है, तो ये आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर दो बार आएगा यहाँ पे, और एक बार आएगा आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर। तो दो बार ये आई ऑफ रॉड केस यूज़ किया, यहाँ पे आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर यूज़ किया, बट वो कितने बार है? दो बार है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आई ऑफ रॉड कितना है? 2000 प्लस 2 इंटू आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर कितना है? 22,000, तो आएगा 2000 प्लस 44,000 कितना आएगा? 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ, और एक चीज़ है कि जो अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो गलत दिया गया है, तो अपना जो आंसर रहेगा तो वो फाइनल आंसर रहेगा 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मैं वापस एक बार डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। तो हम लोगों को दिया गया है कि एक डंबल है, डंबल बना है रॉड से, रॉड की मास 60 ग्राम है और उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई है। दो सॉलिड स्पीयर है, दोनों एंड पे कनेक्टेड है और दोनों दोनों सॉलिड स्पीयर का जो मास है वो 50 ग्राम है और रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अभी मुझे पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल, डंबल बना है रॉड और दो स्पीयर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल पासिंग थ्रू सेंटर पूछा गया है। तो डंबल बनता है रॉड से और सॉलिड स्पीयर से, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालेंगे पासिंग थ्रू सेंटर, क्योंकि सेंटर का पूछा है मुझे, इधर उधर का नहीं पूछा है, सेंटर का पूछा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ये वाला पार्ट आया, एम एल स्क्वायर बाय 12, डायरेक्टली पुट करूंगा 60 × 20 का स्क्वायर, लेंथ 20 है, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 सॉल्व करूंगा तो 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर निकालूंगा तो वो इधर आएगा, बट मुझे उसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर तो निकालना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बोला था मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 mr², 2/5 mr² सॉल्व करूंगा तो 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अभी इस स्पीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेरे को कहाँ पे शिफ्ट करना है, पासिंग थ्रू सेंटर, तो मेरे को निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पैरेलेक्स थ्योरम, क्योंकि ये देखो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलेक्स थ्योरम से मेरे को इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो ISC का फॉर्मूला क्या रहेगा, IS + mh² बराबर है IS ऑफ अ स्पीयर, mh² h मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, वही फॉर्मूला था ना, I0 = IC + mh², तो I0 ये हो गया जो सेंटर से पास हो रहा है वो निकालना है मुझे, IC सेंटर से पास हो रहा है बट किसके, स्पीयर के, और mh² एच क्या रहेगा देखते हैं, ये पूरा 20 है तो ये कितना हुआ 10 और रेडियस कितना हुआ 10, 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो ये 22000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आई ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड का बात करो, सेंटर ऑफ द स्पीयर नहीं, सेंटर ऑफ द रॉड का बात करूंगा। अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा, ये डंबल जो बना है वो रॉड से बना है और दो स्पीयर से बना है, तो रॉड का केस को मैंने ऐड किया बट दो स्पीयर का ऐड करना है, तो एक स्पीयर का पासिंग थ्रू सेंटर 22000 है तो दो स्पीयर का कितना होगा 2 × 22000, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो फाइनल आंसर रहेगा 46000। क्लियर है आपको, तो दो न्यूमेरिकल्स अपन ने डिस्कस किए, एप्लीकेशन वाला पार्ट डिस्कस किया, एप्लीकेशन वाला पार्ट में हम लोग ने रिंग का पार्ट देखा, रिंग के पार्ट में पासिंग थ्रू डायमीटर, बाद में टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डिस्क के पार्ट में भी पासिंग थ्रू डायमीटर एंड टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये चार केसेस डिस्कस किए। फिफ्थ वाली केस जो थी, फिफ्थ वाली केस वो वाली थी रॉड की केस, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड वाली। वो होने के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे गए, एक बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। पहले रिंग था, रिंग का अबाउट डायमीटर दिया था mr² / 2, सॉल्व किया, दोनों का रेडियस सेम था जब रिंग को मोल्ड किया किसमें, डिस्क में, तो दोनों का रेडियस सेम था और मेरे को पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पूछा गया था, तो फॉर्मूला mr² / 2 ही रहेगा, तो फाइनल आंसर जो था वो सेम था, 1 kg m² था। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद डंबल का केस देखा, तो डंबल के केस में डंबल बना है रॉड और दो स्पीयर से, तो रॉड का मास 60 ग्राम है, लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, वैसे ही मेरे जो दो स्पीयर है उसका मास कितना है 50 ग्राम और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। मैंने पहले निकाला रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद में स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, बट स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को एंड पे नहीं चाहिए, मेरे को पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड चाहिए, तो उसको शिफ्ट किया मैंने ये वाले, बट कितने स्पीयर है, दो स्पीयर है, एक रॉड और दो स्पीयर है, तो एक रॉड का तो मैंने प्लस किया बट दो स्पीयर का के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 22000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो आंसर कितना आया 2000 + 44000 विच इज नथिंग बट 46000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राम सेंटीमीटर में ही रखा है, इसलिए फाइनल आंसर भी किसमें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा और आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ रहेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो वो चीज़। और एक चीज़, जो महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं बिलोंग करते उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस जो फिजिक्स का जो 12th का बुक है उसकी मैंने जो PDF है उसकी जो ड्राइव की कॉपी है उसकी लिंक मैंने मेंशन की है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप ये न्यूमेरिकल देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 रोटेशनल डायनेमिक्स के लास्ट वाला पार्ट में आता है, 24th या 25th पेज नंबर पे आता है शायद से, मुझे याद नहीं है, 24th या फिर 25th पेज नंबर पे आता है, तो आप ये दोनों न्यूमेरिकल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ट्राई करेंगे कि टॉर्क वाला पार्ट भी कंप्लीट करने के लिए, तो दो तीन पार्ट कवर करने का ट्राई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और तीसरा पार्ट रहेगा टॉर्क, ये तीन पार्ट कवर करने का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहेगा, तो यहाँ तक अगर लेक्चर को देखा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो,
अगले लेक्चर में मिलते हैं विद एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टिल देन बाय बाय।